वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अब आप सबको लेके आए हैं कुशल बिहारी मंदिर बरसाना, और जो कि अभी आप सबको अंदर ले चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर ब्लॉग लास्ट तक बने रहिएगा। जय श्री राधे। राधा रानी रसोई, जो कि यहाँ पे जलपान आप तो कर सकते हैं, उसका निःशुल्क चार्ज है, कोई पैसा नहीं पड़ता। और आप एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग आते हैं, अगर जो पैर से नहीं चल सकता है उसके लिए पालकी की व्यवस्था है, आइए जानते हैं इसका चार्ज क्या है। अंकल क्या चार्ज है इसका? 500 रुपए। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसका 500 रुपए चार्ज है। कहाँ कहाँ घुमाएंगे आप? राधा रानी मंदिर घुमाएंगे और यहाँ पे घुमाएंगे। चलिए चलते हैं आगे, फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना इसका प्रयोग कर, चलिए आगे चलते हैं। गाइज ये है कौशल बिहारी मंदिर का एंट्री का गेट, काफी अच्छा बनाया हुआ है। चलिए अब इसके अंदर आप सभी को हम ले चलते हैं, और ब्लॉग भी बने रहिएगा। काफी देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी है, और चलिए चलते हैं अंदर लेके आप सबको। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग, ये पहले राधा रानी का मतलब जो पिताजी उनका पूरा महल हुआ करता था, लेकिन पूरा खंडर हो जाने के बाद ये राजस्थान के राजा से उन्होंने इसको पूरा बनवाया। बाबा जी ऐसे क्या है कि कहानी कथा के बारे में बताइए। कहानी देखो, ये भगवान है, भगवान ने यहाँ लीला की, ठाकुर जी लीला की। आप ये बता रहे थे कि ये राधा रानी का पहले राजधानी थी, यहाँ राजधानी थी जनता। अच्छा अच्छा, उसमें कोई संतान नहीं थी। अच्छा, राधा रानी तो ये फूल के कमल के फूल से पैदा हुई है, शक्ति है। राधा कृष्ण का भगवान था, भगवान जी। ये राजस्थान के राजा ने इसको पूरा खंडर बनवाया था, उन्होंने दोबारा इसको बनवाया। बहुत बहुत जय श्री राधे। मैं आप सबको इसके अंदर ले चलता हूँ, फिर काफी अच्छी मंदिर बनी है अभी। ये देखिए चारों तरफ से, है राधा रानी मंदिर, काफी अच्छी मंदिर है, जो कि एक दिन ये मार राधा रानी का महल हुआ करता था, आज जब ये इसको मंदिर बना दिया गया। हम सबके कृष्ण कन्हैया और राधा रानी का मंदिर काफी अच्छा लगा, और चारों तरफ का इसका नजारा देखिए, बहुत ही अद्भुत नजारा है। गाइज आइए आप सबको हम दिखाते हैं राधा रानी का जो मंदिर है, चारों तरफ का नजारा आप सबको दिखाते हैं। चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, हमने चारों तरफ से देख काफी अच्छा लगा, और लोग इस यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं। और गाइस आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इसके मंदिर के अंदर आना चाहते हैं तो अगर आपकी गाड़ी है तो आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी खरीदने की भी व्यवस्था है, उसका कुछ चार्ज लगता है। तो गाइस ये है राधा रानी रसोई, जो कि यहाँ पर सबको निःशुल्क भोजन दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग यहाँ पर आके आराम से दोपहर को जलपान कर सकते हैं। देखो आइए आप सबको दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रसाद में क्या दिया जाता है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि प्लेट लेकर आपको यहीं पर खाना मिलता है, और देखिए काफ़ी लोग लगे भी हुए हैं, और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आप लोग यहाँ आके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप बरसाने मंदिर आते हैं तो दोपहर को यहाँ चार होता है, तो आप लोग खा सकते हैं। 10 बजे से 5 बजे चलता है, जो देखिए हम लोगों ने खिचड़ी मिली हुई है, खाते हैं। देखो भाई प्रसाद है, ¡Gracias!
गाइस आप तो सबको बताना चाहेंगे ये राधा रानी की दादा और बाबा उन्हीं का मंदिर है। आइए आप सबको ले चलते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे वैसे मंदिर तो उसका दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन आप सबको दिखाएं यही है राधा रानी की दादा दादी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे हमने पहली बार देखा, वैसे आप लोग एक बार दर्शन करने जरूर आइएगा। वैसे गेट बंद रहे कि दर्शन करने ब्लॉग को खाली पर एंड करते हैं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जब बताइए कैसे लगा वीडियो आपको। और एक बार जरूर आइए वृंदावन, बहुत अच्छा लगेगा। तब तक लिए जय श्री राधे, मिलते हैं नए वीडियो में। बोला अगर आप राधे को मानते हैं, ठाकुर को मानते हैं, तो कमेंट में जरूर जय श्री राधे लिखिएगा। चलते तब तक लिए जय श्री राधे।